दोस्तों, जिस रास्ते पर चलकर एक व्यक्ति सफलता के शिखर तक पहुंचा हो, दूसरा व्यक्ति भी उसी रास्ते पर चलकर सफलता को प्राप्त करेगा, ये जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति की काबिलियत, उसकी क्षमता, उसकी सोच एक दूसरे से एकदम अलग होती है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी है एक गाँव की, जहाँ रमेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। रमेश के माता पिता किसान थे, वे गाँव में ही खेती बाड़ी किया करते थे। उसके पिता हमेशा यही चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। रमेश शहर जाकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और वहीं से कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिया करता था। कई साल गुजर गए पर रमेश को किसी भी जॉब के लिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। रमेश के पिता अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके एक एक रुपया जोड़कर बेटे की पढ़ाई के लिए शहर भेजते थे। अब तो वे भी बूढ़े हो चुके हैं। अपने बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में खेतों में इतना मेहनत करते हुए देख कर रमेश को भी अच्छा नहीं लगता था, पर वह करे तो क्या करे। उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, वह बहुत ही कसमो कसम में था। आखिरकार एक दिन रमेश ने फैसला ले ही लिया, उसने डिसाइड कर लिया। अपना सारा सामान, सारी किताबें लेकर वह वापस गांव लौट आया। रमेश ने अपने पिता को समझाया कि वह अब गांव में रहकर ही खेती करेगा। रमेश बोला कि पिताजी, मैं दिन रात मेहनत करूँगा, लेकिन आप लोगों को इस बुढ़ापे में और कष्ट उठाते हुए नहीं देख पाऊंगा। रमेश अपनी पूरी लगन और मेहनत से खेती करना शुरू कर दिया। वह कृषि विज्ञान केंद्रों में जाकर वैज्ञानिक विधि से खेती करने का प्रशिक्षण लिया। साथ ही वह नए नए आधुनिक तरीके से खेती करना प्रारंभ कर दिया। वह इंटरनेट के माध्यम से देश विदेश में हो रहे खेती के बारे में जानकारी जुटाता और अपने खेतों में भी नए नए प्रयोग करता। देखते ही देखते 2 से 3 सालों में ही रमेश एक सफल किसान बन गया। उसे फलों तथा सब्जियों की खेती से अच्छी आमदनी होने लगी थी। उसने धीरे धीरे अपने खेतों के अलावा 8-10 बीघा जमीन लीज पर भी ले लिया है। साथ ही उसने एक बड़ा सा डायरी फार्म भी स्टार्ट कर दिया है। आज रमेश के पास 15 से 16 लोग काम करते हैं, जिन्हें रमेश अच्छी तनख्वाह भी देता है। शहर में 5-6 सब्जी तथा दूध पनीर इत्यादि के आउटलेट हैं। आज रमेश का 70 से 80 लाख का सालाना टर्नओवर है। रमेश की सफलता को देखकर आसपास के गाँव के किसान उसे खेती के नए नए तरीके सीखने आते हैं। इलाके के सभी लोग रमेश को किसान भैया के नाम से पहचानते हैं। कृषि से संबंधित कोई भी कार्यक्रम उस जिले में होता है तो रमेश को जरूर बुलाया जाता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं उन स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ जो गांव से शहर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। उनके पेरेंट्स कड़ी मेहनत करके उनके लिए पैसों का इंतजाम करते हैं और बड़े आशा के साथ अपने बच्चों को शहर भेजते हैं ताकि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के नाम पर अपने पेरेंट्स से पैसे ऐंठते रहते हैं और शहर में अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते रहते हैं। दोस्तों, आपके पेरेंट्स आपकी एजुकेशन के लिए कड़ी मेहनत से एक एक रुपया जोड़कर आपकी पढ़ाई के खर्चे का इंतजाम करते हैं और आप ईमानदारी से पढ़ाई करने के बजाय दोस्तों के साथ मूवी देखने में, पार्टी करने में, मौज मस्ती करने में ही अपना कीमती समय गंवा देते हैं। आप ऐसा करके न केवल अपने पेरेंट्स की आंखों में धूल झोंकते हैं बल्कि अपने आप को भी धोखा देते हैं। दोस्तों, ये बहुमूल्य समय एक बार चला गया तो वापस लौट कर नहीं आएगा। जब आप शहर में पढ़ाई करने के लिए आए हैं तो पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से कीजिए, अन्यथा अपने पेरेंट्स को, अपने आप को धोखा मत दीजिए। दोस्तों, जब नीयत अच्छी हो, लगन सच्ची हो और इरादे पक्के हों तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक अगर आपने गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें।